पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर महिलाओं के भी स्वाभिमान को बढ़ाया है। महिलाओं में भी एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। महिलाओं ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ढोल नगाड़े की थाप पर नाच गाकर और आतिशबाजी फोड़कर जमकर जश्न मनाया और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि बताया है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर के साथ इस जश्न को मनाया और आतिशबाजी छोड़कर और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। इस दौरान सभी महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि बताया है। Smart sound. विषय है कि हमारे बीच में एक ऐसी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं जिन्हें मोदी जी ने बहुत ही गहराई से निकाला हुआ एक हीरा है। सबसे पहली तो बात यह है कि ये भारत के लिए अपने आप में गर्व की बात है कि कोई आदिवासी महिला भारत के प्रथम नागरिक होने का प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरी बात, महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी बनेगी क्योंकि भाजपा में जिस तरह से नारी शक्ति वर्क कर रही है, जिस तरह से नारी शक्ति देश के समाज के लिए अपनी निरंतर सेवाएं देती है, उसका केवल और केवल एक ही मकसद होता है कि सुशासन हमारे भारत में हमेशा बना रहे। और सुशासन की प्रतिमूर्ति जिस तरह से हम मोदी जी को मानते हैं, उनकी ही बिल्कुल कल्पना हम द्रौपदी मुर्मू जी में कर रहे हैं कि यदि एक नारी सशक्तिकरण से देश का प्रतिनिधित्व करेगी तो 100% महिलाओं में और भी अधिक हौसला बढ़ेगा और भाजपा और भी लंबे समय तक अपने कार्यकाल में डटी रहेगी। द्रौपदी मुर्मू जी जो पद ग्रहण करने वाली है राष्ट्रपति का, तो ये महिला मोर्चा ने इतना शानदार आयोजन किया है जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और द्रौपदी मुर्मू जी जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से हैं और वो आज इतने पद पर आसीन होने वाली हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी का आभार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इतनी कर्मठ, साहसी और मेहनत करने वाली महिला को हमारे राष्ट्रपति पद के लिए चुना। अच्छा, अब एक खुशी है कि कहीं क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व अब एक महिला करने वाली है, तो क्या कहें महिलाओं के प्रति तो उत्साह है क्या? किस तरह महिलाओं में बहुत उत्साह है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी भी हमारी राष्ट्रपति बन चुकी हैं, लेकिन अब दूसरी महिला के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनने जा रही हैं। चूँकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमारी बधाइयाँ और उनको धन्यवाद और संदेश हम उनको प्रेषित करते हैं कि वो आगे भी इस राष्ट्र
राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के बाद हमारे देश के लिए बहुत कुछ करने वाली है, ऐसी हमारी अपेक्षा है उनसे। हम उनका धन्यवाद करते हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।